लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। लंबे समय बाद आप सब लोगों से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो, काशी के सभी लोगों के प्रणाम। हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत है। आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। बहनों और भाइयों, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है वो भविष्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स, 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का यहां लोकार्पण भी किया गया। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है वो भी सराहनीय है। काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है। यहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कुछ कड़ियां और जुड़ रही है। आज महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े नए अस्पताल काशी को मिल रहे हैं। इनमें से 100 बेड की क्षमता बीएचयू में और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मुझे मिला था, अब आज इनका लोकार्पण भी हो रहा है।
बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। पूरे क्षेत्र में चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, फ्लाईओवर हो या रेलवे ओवरब्रिज हो, या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पुरानी काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम हो, पेयजल और सीवर की समस्याओं का निदान हो, पर्यटन को बढ़ाने के लिए विकास कार्य हो, सभी में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। साथियों, काशी की मां गंगा की स्वच्छता और सुंदरता हम सभी की आकांक्षा भी है और प्राथमिकता भी है। इसके लिए सड़क हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, पार्कों और घाटों का सुंदरीकरण हो, ऐसे हर मोर्चे पर काम हो रहा है। पंचकोशी मार्ग का चौड़ीकरण पूरा होने से श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी और इस मार्ग पर पड़ने वाले दर्जनों गांवों का जीवन भी आसान बनेगा। वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर जो सेतु है उसके खुलने से वाराणसी के अलावा प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर और बिहार आने जाने वालों को भी बहुत आसानी होगी। गौदौलिया में मल्टी लेवल टू व्हीलर पार्किंग बनने से कितनी किचकिच कम होगी, ये बनारस के लोगों को भली भांति पता है। भाइयों और बहनों, आज से जो रोरो सेवा और क्रूज बोट का संचालन शुरू हुआ है, इससे काशी का टूरिज्म सेक्टर और फलने फूलने वाला है। यही नहीं, मां गंगा की सेवा में जुटे हमारे नाविक साथियों को भी बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। डीजल नावों को सीएनजी में बदला जा रहा है, इससे उनका खर्च भी कम होगा, पर्यावरण को भी लाभ होगा और पर्यटक भी आकर्षित होंगे। थोड़ी देर में रुद्राक्ष के रूप में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को भी काशीवासियों को सौंपने जा रहा हूं। काशी से विश्व स्तरीय साहित्यकार, संगीतकार और अन्य कलाकारों ने विश्व स्तर पर धूम मचाई है, लेकिन काशी में ही उनकी कलाओं के प्रदर्शन के लिए कोई विश्व स्तरीय सुविधा नहीं थी। आज मुझे खुशी है कि काशी के कलाकारों, आर्टिस्टों को अपनी विद्या दिखाने के लिए, अपनी कला दिखाने के लिए एक आधुनिक मंच मिल रहा है। साथियों, काशी के पुरातन वैभव की समृद्धि ज्ञान की गंगा से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में काशी का आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के केंद्र के रूप में भी निरंतर विकास जरूरी है। योगी जी की सरकार, इस सरकार आने के बाद इस दिशा में
जो प्रयास हो रहे थे उनमें और तेजी आई है। आज भी मॉडल स्कूल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक ऐसे अनेक संस्थान और नई सुविधाएं काशी को मिली है। आज सीपेट के सेंटर फॉर स्किलिंग और टेक्निकल सपोर्ट की जो आधारशिला रखी गई है, ये काशी नहीं पूर्वांचल के औद्योगिक विकास को भी ऊर्जा देगा। कुछ साल पहले तक जिस यूपी में व्यापार कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। इसका एक बड़ा कारण है, यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है, कारोबार करने में भी अधिक सुविधा हो रही है। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं, हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। साथियों, विकास और प्रगति की इस यात्रा में यूपी के हर एक नागरिक का योगदान है, इसमें जन जन की भागीदारी है। आपका ये योगदान, आपका ये आशीर्वाद यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी ये भी है कि आपको कोरोना को फिर से हावी नहीं होने देना है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की दर धीमी जरूर हुई है, लेकिन लापरवाही बढ़ी तो ये प्रचंड लहर में बदल भी सकती है। दुनिया के कई देशों के ये अनुभव आज हमारे सामने हैं। इसलिए हमें सारे नियम कायदों का
सख्ती से पालन करते रहना है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान से भी हम सभी को जुड़ना है। टीका जरूर लगवाना है। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर।